और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी के रिसोर्ट के कुछ हिस्से पर बुलडोजर चला है। मुख्य आरोपी पुलकितारे के रिसोर्ट के कुछ हिस्से पर बुलडोजर चलाया गया है। देर रात ये कार्रवाई हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, देर रात बुलडोजर से रिसोर्ट के कुछ हिस्से को गिराया गया है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य आरोपी का रिसोर्ट है जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देर रात की ये कार्रवाई, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जो मुख्य आरोपी है उसके रिसोर्ट के कुछ हिस्से को बुलडोजर की मदद से गिराया गया है। बड़ी कार्रवाई अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई। मुख्य आरोपी के रिसोर्ट पर कार्रवाई की गई है, कुछ हिस्से को गिराया गया है। देर रात की ये कार्रवाई है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में पुलकित आर्य है, जिसके रिसोर्ट के कुछ हिस्से को बुलडोजर की मदद से गिराया गया है। रवि केंदुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, करीब कितने बजे यह बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और क्या आज फिर से कोई कार्रवाई होनी है, कोई अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए गुंजन, ये कल की कार्रवाई है क्योंकि लगातार जो है वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे कि यूपी की तरह रिजॉर्ट जिस तरीके से भंडारी के ये हुआ है उसमें रिजॉर्ट पर जो है बुलडोजर से कार्रवाई होनी चाहिए। और यही वजह रही कि कल प्रशासन के वहाँ पर कुछ हिस्सा रिजॉर्ट का उसके दोषीकरण की कार्रवाई को जानने था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लगातार जो मांग है वो यही है कि जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई हो, साथ ही रिजॉर्ट का दोषीकरण भी किया जाए। तो निश्चित तौर पर कल कुछ हिस्से पर कार्रवाई हुई है, देर रात तक ये चलता रहा, प्रशासन की टीम वहाँ पर मौजूद रही। लेकिन आज की अगर बात करें तो ये माना जा रहा है कि रिजॉर्ट पर और भी जो है पूरी तरीके से दोषीकरण की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कल जब आरोपियों को पुलिस लेकर जा रही थी तो उस दौरान भी वहाँ के लोगों ने गाड़ियाँ रोकी थी और आरोपियों को उनको कोशिश की थी कि उन लोगों की पिटाई कर सके, मार पिटाई कर सके, क्योंकि गुस्सा था काफी लोगों में। और यही वजह रही कि लोगों की ही मांग को देखते हुए कल रात इस तरीके का निर्णय लिया गया। अभी माना जा रहा है कि रिजॉर्ट के पूरी तरीके की दोषीकरण की कार्रवाई भी प्रशासन की टीम आगे कर सकती है। और पूरे मसले पर अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भी खुद नजर बनाए हुए हैं, प्रशासन की ओर से ही जो है इस तरीके के दोषीकरण की कार्रवाई आज भी देखी जा सकती है। रवि, जो और आरोपी है क्या उनके यहाँ पर या उनके रिसोर्ट पर भी ऐसी कार्रवाई होगी, इसका कोई अपडेट है? गुंजन देखिए, अभी तक तो इस तरीके की कार्रवाई कुछ है नहीं, लेकिन जिस तरीके से लोगों में गुस्सा है, कल काफी सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे और लगातार इस तरीके की मांग कर रहे थे कि आरोपियों को सजा दी जाए ताकि इस तरीके की कार्रवाई भी हो। इसी को देखते हुए रात देर रात इस तरीके का एक्शन लिया गया है। और जो अन्य आरोपी हैं, दो अन्य जो आरोपी हैं उन पर किस तरीके की आगे कार्रवाई होती है वो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मुख्य आरोपी है पुलिस, उसके रिजॉर्ट के कुछ हिस्से पर जरूर बुलडोजर कल रात को चलाया गया। ठीक है, शुक्रिया रवि पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देर रात की ये तस्वीरें हैं। जो मुख्य आरोपी है पुलकित, उसके रिसोर्ट पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है क्योंकि लोगों का गुस्सा लगातार इसको लेकर फूट रहा था, जिसके बाद देर रात ही ये कार्रवाई हुई। हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी कि आज भी इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में तीन लोग आरोपी बताए जा रहे हैं। मुख्य आरोपी के रिसोर्ट पर कुछ हिस्से को जरूर गिराया गया है, लेकिन देखना होगा कि आज इस पूरे मामले में क्या कुछ रहता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।